नमस्कार, मैं फिलहाल गुजरात के आणंद जिले के अकबरपुरा गांव में हूँ। यहाँ पर ये पूरा जो गांव है, फिलहाल ये पूरा एरिया है, ये एक घोस्ट टाउन की तरह है। यहाँ पर एक भी इंसान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा जो एरिया है वो खाली हो चुका है। संडे को जब गुजरात पूरे डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर आने की राह देख रहा था और गुजरात की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो अहमदाबाद में थी, उस वक्त यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आमने सामने पथराव कर रहे थे, और पथराव करते वक्त उन्होंने एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के घरों का नुकसान किया, और बहुत बड़ी मात्रा में दोनों समाजों के लोगों का नुकसान हुआ है। जो यहाँ पर लोग जो रह रहे थे वो अपना घर जिस हालत में है उसी हालत में छोड़कर चले गए हैं, भाग गए हैं। फिलहाल यहाँ पर हमको सिर्फ पुलिस वाले ही दिख रहे हैं जो आसपास यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे एरिया में करीब 2000 से ज़्यादा यहाँ पर मकान है, लेकिन किसी मकान में कोई इंसान देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये घर की हालत है। एक घर यहाँ पर जिसका दरवाज़ा तोड़ा गया है और अंदर इस तरह से पूरा घर जला दिया गया है, और अंदर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है, और जो कबर्ड्स वगैरह हैं उनको तोड़ा गया है, अंदर से सामान भी गायब है। मैं आपको बता दूं कि संडे को यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग आमने सामने आए थे, एक दूसरे पर पथराव किया था। उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस नहीं थी, क्योंकि सारी पुलिस उस दिन अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले थे उसके बंदोबस्त में अहमदाबाद में थी। मंडे को, सोमवार को जब डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में थे, उस दिन कुछ मैसेजेस यहाँ से वायरल हुए जिसमें मोबिलाइज किया गया बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। हिंदू जागरण मंच और कुछ बीजेपी के जो एमएलए थे, एक्स एमएलए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पर मोबिलाइज किया। और मंगलवार को जब ट्रंप वापस गुजरात से चले गए थे और जब वो दिल्ली में थे, उस वक्त यहाँ पर इस एरिया में एक पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें कुछ भड़काऊ भाषण किए गए, जिसके बाद एक बड़ा सा मॉब निकलकर आसपास के जो मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया थे वहाँ पर उन्होंने रायटिंग किया और कुछ व्हीकल्स को आग लगा दी, कुछ घरों को आग लगा दी, कुछ शॉप्स को आग लगा दी। अभी तक इस पूरे मामले में करीब 6 FIRs हुई हैं, जिसमें बीजेपी के जो फॉर्मर MLA हैं उनका भी नाम है, उसके साथ साथ कुछ बीजेपी के जो काउंसिलर्स हैं उनका भी नाम है, और हिंदू जागरण मंच एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लोग हैं उनका नाम है। आप देख सकते हैं कि लोग अपना यहाँ पर जो सामान है, जो कपड़े भी यहाँ पर है, जिस तरह जिस हालत में घर था उसी हालत में छोड़कर लोग यहाँ से चले गए हैं, और फिलहाल ये एक तरह से घोस्ट टाउन बन चुका है।